Aditya College, one of the best college in the city of Mumbai, मैं कहूँगा। और ये छठा इनका design fair का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन समारंभ था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं नए-नए ideas के माध्यम से इस प्रकार का सारा काम करते हैं। एक समय ऐसा था कि कोई building को अगर आप देखेंगे तो एक building बनता था, उसमें खिड़की होता था, एक दरवाजा होता था, इसके आगे कुछ होता नहीं था। लेकिन इन दिनों में जो elevation का जमाना आया है, तो बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत लगता है और हम रहने वाले को भी उसका लाभ मिलता है। बोरीवली डिज़ाइन फेयर जो है जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, सो ये जो आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सो हमारे तीन कॉलेजेस हैं, एक आपके मैनेजमेंट जो MBA है, एक आर्किटेक्चर है और एक डिज़ाइन है। सो ये जो प्रोग्राम है ये तीनों कॉलेज मिलके करते हैं। आज का कार्यक्रम फुल्ली पैक्ड है एनर्जी के साथ। आज की शुरुआत जो है वो एक HR समिट के साथ हुई थी। सो बिकॉज वी वॉन्टेड द स्टूडेंट्स टू रियलाइज कि आपको किस तरीके से इनोवेशन को यूज करना है। रिंग पहना दे मेनू डायमंड रिंग दिला दे, ओ रिंग दिला दे मेनू डायमंड रिंग दिला दे, ओ रिंग दिला दे मेनू डायमंड रिंग दिला दे, ओ रिंग दिला दे मेनू डायमंड रिंग दिला दे। सो दिस इज द सॉन्ग व्हिच यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम यू नो फ्रॉम मी एंड फ्रॉम गेस्ट स्पेसी से। So please watch it on YouTube and subscribe it. जिस तरह से कॉम्पिटिशन हम लोग आजकल कॉलेजेस में देख रहे हैं एंड उसमें कितनी सारी वेराइटीज हम देखते हैं। अभी हम लोग म्यूजिक कॉम्पिटिशन या सिंगिंग कॉम्पिटिशन या बैंड कॉम्पिटिशन, वेस्टर्न म्यूजिक कॉम्पिटिशन, फैशन शो कॉम्पिटिशन, आई थिंक यहाँ पर आके ना मुझे स्पेशली मुझे मेरा बचपन ज़रूर याद आता है कि लाइक हम लोग भी इतनी मेहनत करके सब कुछ सेलिब्रेट करते थे, एक फेस्ट को या एक शो को या एक इवेंट को एक नेक्स्ट लेवल पहुँचाने की कोशिश करते थे। सो येस, आई ऑलवेज यू नो गेट वेरी एक्साइटेड जब भी मैं कॉलेजेस या क्या कहते हैं कोई भी दूसरे कॉलेजेस में जाती हूँ कुछ भी जज करने या एज अ गेस्ट बनने। इवेंट्स इस तरीके से जो स्टूडेंट्स करते हैं ये बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत कम समय में उनको ये सब करके देना होता है और एक खर्चा भी उनके हाथ सर में होता है कि इतना जिम्मेदारी ज़्यादा ना हो वरना कुछ नहीं होगा और काफ़ी तो अपनी जेब से निकालते हैं और बहुत ही अच्छा इवेंट करते हैं। और मुझे तो यहाँ पर आके फैशन शो में आके ये मिला है कि हमारे अगले प्रोजेक्ट में हम फैशन डिज़ाइनर यहाँ से ले लेंगे तो और कुछ नया नया हमें ये मिलेगा फैशन के जो भी डिज़ाइन है। और वेल बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और ऐसे काफ़ी एज ए जज हमने इवेंट्स किए सब जगह यही मस्ती और यही तूफान देखा एनर्जी क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी एक गाना रिलीज़ किया है क्योंकि हमारे साथ इतने एक्सपीरियंस्ड एंड इतने सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ हैं, कोरियोग्राफर हमारे साथ हैं, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं पहली बार इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। और इस गाने का नाम है डायमंड रिंग जो कि क्रेसी सिंह ने परफॉर्म किया है, एक्ट किया है और सर ने डायरेक्ट किया है एंड कोरियोग्राफी भी की है। तो मैं गा के तो ऑफकोर्स और जब मैंने गाया तो वो जैसे ओनकार जी हैं तो वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं प्लस बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उन्होंने जब मुझे गवाया तो मुझे एक था इसके अंदर एक एक्स्ट्रा यू नो एक्स फैक्टर एलिमेंट जिसको कहते हैं वो है कि लाइक आप चार बारी एक हुक लाइन को रिपीट करते हो ना तो वो आपके दिमाग में एक ट्रिगर हो जाता है या वो बस जाता है। तो यस, आई लव दिस सॉन्ग।